नमस्कार जैन, कैसे आप लोग गाइस? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मजे होंगे। तो स्वागत है फिर से एक बार क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के चैनल में, और हम आपको बताने वाले इस वीडियो में इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन, की प्लेयर सबके बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइस, बात करते हैं मैच नंबर 21 की ऑकलैंड वर्सेज नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो न्यूजीलैंड का प्रीमियर सुपर स्मैश शुरू होने वाले हैं। तो आज बात करते हैं टूर्नामेंट के 21 मैच की, जो ऑकलैंड वर्सेज नॉर्थर्न के डिस्ट्रिक्ट के बीच खेला जाएगा। यह मैच बॉय ओवल में बॉन्ट मंगुनागाइ में खेला जाएगा। इस वक्त दोनों ही टीम स्ट्रांग नजर आ रही है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, हम आपको बताएंगे इस मैच का कंप्लीट एनालिसिस। बात करें वेदर रिपोर्ट की, तो मैच के दिन सनी वेदर रहेगा और टेम्परेचर 12.5 डिग्री रहेगा और ह्यूमिडिटी 98% रहेगा। विनिंग परसेंटेज की ओर देखें गाइस, तो फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज 33% है, फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज 67% है। तो देखा जाए तो फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। बात करें पिच रिपोर्ट की, तो एवरेज स्कोर की ओर देखें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 148 है और सेकेंड का इनिंग एवरेज स्कोर 129 है। बात करें हेड टू हेड लास्ट 5 मैचों में, तो ऑकलैंड का 2 है और नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट का 3 है। अब बात करते हैं गाइस नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट और टीम शॉट एनालिसिस की। तो टूर्नामेंट की सबसे लो टीम नॉर्थर्न ही है और टीम ने अब तक 5 मैच ही खेले हैं और जिसमें से एक जीत के साथ टेबल में नंबर 6 पर है, सबसे नीचे। तो टीम लगातार 4 मैच हार गई है और अब यहाँ भी टीम से का क्वालिफाई करना मुश्किल लग रहा है और टीम को कमबैक करना होगा। टीम के कैप्टन जीट रवल है जो एक बैटर है। लास्ट गेम में टीम 200 रन का टारगेट चेस नहीं कर पाई थी और बैटिंग टॉप परफॉर्मर जीट रवल हैं जो 5 मैच में 142 रन बनाए थे। और टीम के स्टार प्लेयर टीम सौथी हैं एंड मिचेल संट्रे हैं। उम्मीद है कि इस मैच में दोनों खेलेंगे। ओपनिंग में क्या और कैंटनी क्लर्क हैं और तो टीम का मिड ऑर्डर एक्सपीरियंस है और विकेट कीपर टीम सैफोर्ड भी इस मैच के लिए अवेलेबल होंगे। तो बॉलिंग में टीम फेल थी और बस 3 विकेट ही ले सकी थी और 202 रन और कॉन्सेट नहीं किया था। स्कॉट कॉन्गली की टीम के लीडिंग विकेट टेकर है और टीम प्रिंजर ने सबसे ज़्यादा 6 विकेट लिए थे और अब तक का। तो टीम साउथ ही लास्ट फास्ट बॉलर्स को लीड करेंगे। अब बात करें की प्लेयर की, तो टीम सैफोर्ड, कैटी क्लर्क, जॉई संटर, जी ट्रवल, ब्रेट हम्पटन, स्कॉट कगली, जैन और टीम प्रिंजल, हेनरी कॉपर, क्रिस्टियन क्लर्क और फ्रीडरिक वॉल्कर, मैथ्यू फिशर। बात करते हैं की प्लेयर की, तो जीत रवल जो कि बैटर है, उन्होंने लास्ट 5 मैचों में 142 रन बनाए हैं। इनका एवरेज स्कोर 27 है। टीम सैफोर्ड की बात करें, तो जो कि ये भी बैटर है, उन्होंने लास्ट 4 मैचों में 90 रन बनाए हैं। इनका एवरेज स्कोर 23 है। स्कॉट कगलिन की बात करें, जो कि ये बॉलर है, उन्होंने लास्ट 5 मैचों में 5 विकेट लिए हैं। इनका इकोनॉमी 5.7 है। अब बात करते हैं गाइस ऑकलैंड शॉट एनालिसिस की। तो टीम लगातार अच्छा खेल रही है। टीम ने 6 मैच खेला है जिसमें 3 में जीता है और 2 मैच कैंसिल हो गया है, तो और एक मैच में टीम को हार मिली है। तो टीम 16 पॉइंट के साथ टेबल में नंबर 1 पर है और टीम का नेट रन रेट अच्छा है। तो टीम ने लास्ट मैच में जीत दर्ज की है और टीम के कैप्टन रॉबर्ट ओडोनेल है और जो कि एक ऑलराउंडर है। मार्टिन गुप्टिल टीम के स्टार प्लेयर है। ओपनिंग में फिन एलन इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में दिख रही है। लास्ट गेम में भी फिन एलन 78 रन बनाए थे और टीम की बैटिंग स्ट्रांग है। मिडिल ऑर्डर में मार्क चैम्पमैन टीम को बैलेंस देते हैं और बॉलिंग में टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। लास्ट गेम में कंट्रावरी को 140 पर रोक दिया था। तो बैन लिस्टर टीम के इफेक्टिव प्लेयर हैं और लॉकी फर्गुसन लास्ट गेम में टीम में एड थे और लॉसेज डिपार्टमेंट के ने सबसे ज़्यादा 2 विकेट लिए थे और टीम इस वक्त कंटिन्यू करना चाहेंगी। तो पहले बात करते हैं की प्लेयर की, तो मार्टिन गुप्टिल, फैन एलन, सीम सोलिया, चैम्पमैन, रोबर्ट और डोनेल, कैम फ्लिचर, रायन और हैरिसन, डैंड्रू फॉर्न्स, लुइस डेलपोर्ट, लोकी फर्गुसन और बैन लिस्टर। बात करें की प्लेयर की, तो फैन एलन जो कि बैटर है, उन्होंने लास्ट थ्री मैचों में उन्होंने 154 रन बनाए। इनका एवरेज स्कोर 77 है। गुप्टिल की बात करें, जो कि ये भी बॉय बैटर है, इन्होंने 3 मैचों में 139 रन बनाए। इनका एवरेज स्कोर 69 है। और डैंड्रू फॉर्न्स की बात करें, जो कि ये बॉलर है, उन्होंने लास्ट 4 मैचों में 9 विकेट लिए। इनका इकोनॉमी 7.40 है।
अब बात करते हैं गाइस प्रेडिक्शन की। दोनों टीम की प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, और अगर टीम की बात करें दोनों टीम की, तो यूनिट को देखते हुए मैच का विनर ऑकलैंड हो सकता है। गाइस आशा करते हैं आप लोगों को प्रेडिक्शन वीडियो अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जल्दी से। वहां आपको मिलेंगे क्रिकेट से जुड़े मैच एनालिसिस, मैच प्रेडिक्शन, टॉस रिपोर्ट और सब न्यूज़ के वीडियोज़।